राजधानी रांची के हरमू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य और विधायक विकास सिंह मुंडा के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर खूंटी लोकसभा चुनाव में सजायाफ्ता राजा पीटर से समर्थन मांगने के विषय पर एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा मुंडू में 1400 एकड़ जमीन की लूट पर बात रखी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र प्रवक्ता ने कहा कि राजा पीटर विधायक स्वर्गीय रमेश सिंह के हत्या के मुख्य षड्यंत्रकारी थे। ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी खूंटी लोकसभा चुनाव में समर्थन मांग रही है। वहीं बुंडू में 1400 एकड़ जमीन मामले से जुड़े पवन बजाज के साथ अर्जुन मुंडा के गहरे संबंध रहे हैं। वहीं विकास मुंडा ने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजा पीटर से ही नहीं बल्कि कुंदन पहान से भी अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रही है, जो काफी संगीन मामला है। जिन विषयों को सामने रखा है, खासकर बाबूलाल मरांडी जी का जो अपील था ऐसे व्यक्ति से अपने दल के समर्थन को लेकर के, और उनके ऊपर जो आरोप है वो आरोप बहुत संगीन आरोप है। और उसके साथ साथ में हमारा भी ये मानना है कि जब एक व्यक्ति से आपने समर्थन मांग लिया और समर्थन मिल भी गया, तो हमको लगता है इसी अपराध में जो दूसरा व्यक्ति आज के दिन में जेल में बंद है, कुंदन पाहन, उससे भी समर्थन भाजपा को और बाबूलाल मरांडी जी को मुझे लगता है कि मांगना चाहिए। उस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं बाबूलाल मरांडी जी, ये मुझे लगता है कि मेरी समझ से भी परे है। और कहीं ना कहीं ये भाजपा की जो दोहरा चरित्र की जो नीति है वो सामने सबके सामने दिखाई भी देता है। दूसरा, 1400 एकड़ वाली ज़मीन की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जब से ये मामला प्रकाश में आया और ये मामला प्रकाश में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आदेश पर, मुझे लगता है कि उस जमीन का जो लूट होना था उस पर रोक लग गई। लेकिन उस जमीन के कारोबार में कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से भाजपा और उनके नेता अर्जुन मुंडा जी का भी संलिप्तता समान रूप से इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस विषय पर आज तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। और जब गांव आज के दिन में उन सब गांवों में तो अर्जुन मुंडा जी जा भी नहीं सकते, जाएंगे तो उनको इतने सवाल पड़ेंगे कि उन सवालों का जवाब भी अर्जुन मुंडा जी के पास में नहीं होगा। तो ये चरित्र है इन लोगों का। और सीधे तरीके से भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आकर के बड़ी बड़ी बात तो बोलते हैं, लेकिन उनकी सारी बड़ी बड़ी बातें जुमले हैं। पीछे के दरवाजे से जितना ये गंदा और घिनौना काम करना चाहते हैं वो उसको हर हाल में अंजाम देने के लिए राजनीतिक ताकत लेकर के उन सब चीज़ों को अंजाम देते हैं। और कुछ प्रश्न हो इस विषय पर। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की से सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ संबंध के विषय पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सर्वप्रथम यह चैट का स्क्रीनशॉट उनके पास आया कहां से, यह एक प्रकार का जेएमएम के चेहरे को काला करने की कोशिश की जा रही है। ये कंसर्न हमको लगता है कि भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय है उसको भी है, बिना उसके कंसर्न का तो नहीं मिला होगा। तो ऐसे लोग अब चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, वहां के जो प्रत्याशी हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र के, आप सब जानते हैं। मैंने लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व आप लोगों से बुंडू के अंचल में 1400 एकड़ जमीन का मामला उठाया था, जो पवन बजाज से सीधा सीधे जुड़ा हुआ था। और ये पवन बजाज अर्जुन मुंडा के साथ में, अर्जुन मुंडा जी के साथ में उनका एक गहरा रिश्ता है। ये मुद्दा भी है वहां पर, वहां के तो लोग पूछ रहे हैं कि आप पिछले चुनाव में बोले थे
जनजाति के संबंध में आपने अपना काम तो कर लिया, बाकियों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रघुवर जी ने तो हमको लगता है कि 15-16 कम्युनिटी को बोला था कि हमें स्टिकर दर्जा दे देंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आज हमारी लड़ाई है। कुटी साधारण इलाका नहीं है, वो भगवान बिरसा मुंडा का इलाका है, वो पूरा इलाका मुंडा खुटकटी का इलाका है। मुंडा खुटकटी लैंड में 1400 एकड़ जमीन की लूट भाजपा के नेताओं द्वारा किया गया, ये बहुत गंभीर सवाल है।